અને સૌથી મોટો સમાચાર સામે આવી રહ્યો છે કેજરીવાલની જામીન અરજી પર રોક લગાવી દેવામાં આવી છે। કેજરીવાલની જામીન અરજી પર રોક લગાવવામાં આવી છે। સૌથી મોટો સમાચાર અરવિંદ કેજરીવાલ છેલ્લા ઘણા સમયથી જેલમાં બંધ છે। ઈડી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી અને હાઈકોર્ટે અરજી માન્ય રાખી છે અને સુનાવણી ના થાય ત્યાં સુધી જામીન પર રોક લગાવવામાં આવી છે। રાઉસ એવન્યુ કોર્ટના ચુકાદા પર પડકાર છે। तो राउस एवन्यू कोर्ट ना चुकादा ऊपर पड़कार अने अरविंद केजरीवाल जेल मा ज रहे छे। जामीन पर रोक लगावामां आवी छे। वधु अपडेट साथे संवाददाता अजय यादव अमारी साथे जोड़ाई गया छे। अजय, जामीन अरजी पर रोक लगावामां आवी छे अरविंद केजरीवाल ना। तौर पे अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है, जमानत थी उस पे दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। खास करके राउस एवन्यू कोर्ट में जब कल सुनवाई हुई थी तो राउस एवन्यू कोर्ट की तरफ से उनको प्रॉपर जमानत दी गई थी और कह सकते हैं नियमित जमानत दी गई थी और उनको जमा करना था, लेकिन जमा करने की एवज में आज राउस एवन्यू कोर्ट की तरफ से डिटेल ऑर्डर आना था और उसी ऑर्डर के बाद ये जो पूरा मामला था वो तिहाड़ जेल पहुंचता और वहां से अरविंद केजरीवाल आज रिहा हो जाते। लेकिन कल जब ये सुनवाई चल रही थी तब ईडी की तरफ से कहा गया था कि 48 घंटे के लिए इस पूरे मामले पे रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में उनका जो पक्ष है वो प्रॉपर वे में रखा नहीं गया है या प्रॉपर वे में उसको कंसीडर नहीं किया गया है और वो कहीं ना कहीं वो हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहते थे। कल ही ईडी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले को लेकर के वो हाईकोर्ट जाएंगे और आज ईडी जब यहाँ पे आई तो ईडी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में यह साफ कहा गया कि उनको अपना प्रॉपर वे में पक्ष जो रखने का मौका है वो एक तरह से नहीं मिला, या कह सकते हैं कि जो उन्होंने पक्ष रखा उस पर प्रॉपर वे में सुनवाई नहीं हुई, उनके मामले को एक तरह से टाला गया। तो यहाँ पे बेसिकली जो अप्रोच किया था ईडी की तरफ से उसी पे फिलहाल जो दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे एक एक करके अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचना शुरू हो गए थे और उन्हें उम्मीद थी कि आज अरविंद केजरीवाल जो है इस मामले में छूट जाएंगे, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पे स्टे लगाया गया है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए।